नमस्कार, कविता पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वो पॉडकास्ट है जहां आप सुनते हैं हिंदी कवियों की प्रसिद्ध रचनाओं का पाठ। तो आइए इत्मीनान से बैठिए और सुनते रहिए कविता पाठ। आज आप सुनेंगे विक्रम सिंह रावत जी द्वारा रची गई एक कविता जिसका शीर्षक है वक्त। यह कविता उनके कविता संग्रह दिल की गृह खोल दो से ली गई है। जिंदगी में कुछ भी कभी हर पल नहीं रहता, जो आज साथ होता है तुम्हारे वो कल नहीं रहता। मैं फिजूल रोया करता था लम्हों पे दशकों पे, समझ आया अब कि वक्त खुद भी सदा प्रबल नहीं रहता। मरते हैं इसके भी पल जो बहते हैं इसकी धाराओं में, सदा को ठहरा हुआ कोई भी इसका पल नहीं रहता। जीवन चक्र निरंतर है, मत कोस तू अपनी किस्मत को, इस दौर में ये दरिया किसी के लिए कल कल नहीं बहता। तुम्हें पता ही नहीं वक्त का दूसरा नाम ही जिंदगी है, यूं ही तुम कहते हो तुम्हारे पास ये किसी पल नहीं रहता। इस दूध की धारा को मैंने पूजा भी, दिए भी सिराए, पर जब से सागर में मिला फिर वो गंगा जल नहीं रहता। कितना लालची हूं कि जिसके सजदे किए नवाजा भी, वो जिस दिन खारा हुआ ठोकरों के भी काबिल नहीं रहता। जिंदगी केवल मौत से मौत के सफर का नाम है, और बंजारों का कोई ठौर ठिकाना उम्र भर नहीं रहता। तू हाथों की लकीरों पे चला तो नदी जैसा भटकता रहा, तूने खुद को कभी नहीं खोजा तभी तू सफल नहीं रहता। और तू मुझे मसीहा मत समझ, मैं खुद विफल हूँ हालातों से, हाँ मगर हौसला अब तक नहीं आ रहा, वरना ये गजल नहीं कहता। जिंदगी में कुछ भी कभी हर पल नहीं रहता, जो आज साथ होता है तुम्हारे वो कल नहीं रहता। बस आज के एपिसोड में इतना ही। कविता पाठ पॉडकास्ट को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और कविता के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।